मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक शाम रानी रंगा असेंबली के साथ सहभागिता रखने का मौका मिला और आप लोग सब आए हैं वचन सुनने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मार्कुस का 14वां अध्याय से कुछ छोटा सा भाग बाकी है, मैं सोच रहा था उसको आज हम खत्म कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मार्कुस 14 अध्याय 32 से लेकर 36 तक। We'll read from Mark chapter 14, 32 to 36. फिर वे गसमी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूँ। और वो पतरस और याकूब और यहोना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मले पर हूँ। तब तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिर कर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा हो। थैंक यू। परमेश्वर इन पढ़े वचन पर आशीर्वाद दे। अभी जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, पिछले हफ्ता ये एलोन मस्क और उसका कंपनी ने ये रॉकेट आकाश में भेजा और ये आज तक का सबसे बड़ा रॉकेट जो मनुष्य जाति ने बनाया, लेकिन लगभग 30-40 किलोमीटर आकाश में पहुंचने के बाद ये फट गया और आगे नहीं जा पाया। और मनुष्य जाति आकाश में चीजों को देखने के लिए बहुत दिलचस्पी रखता है और उसका आकाश के बारे में, आकाश में जो चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी मनुष्य जाति को है। लेकिन अगर हम समुन्दर को देखेंगे, समुन्दर के नीचे, पानी के नीचे क्या है मनुष्य जाति को कम ही पता है। और ये आपका स्क्रीन पे भी, ये इसको ओशन फ्लोर कहता है और हेडल या हेडिस ऐसा एक जगह है जो सबसे खोल जगह है, यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। तो वो कितना गहरा है, अगर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल का सबसे ऊंचा या दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है इसके अंदर अगर रखेंगे तो वो भी 2 किलोमीटर अंदर वो माउंट एवरेस्ट डूब जाएगा, इतना खोल ये नदी या समुन्दर चला जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं समुन्दर के नीचे। आम तौर पर आदमी केवल 200 मीटर के गहराई तक डाइव कर सकता है, उससे गहरा अगर जाएगा तो आदमी जो है मर जाता है, उससे गहरा नहीं जा सकता, उसको बहुत सारे इक्विपमेंट का जरूरत है। और यहाँ पर जो हवाई जहाज 31,000 मतलब 9 किलोमीटर के ऊंचाई पर जो हवाई जहाज उड़ता उड़ता है आकाश में, जब हम नीचे से देखते हैं उससे भी गहरा है समुन्दर का तल। द डेप्थ ऑफ द ओशन इज सो डीप दैट इवन अ फ्लाइंग एरोप्लेन विल बी अंडर वाटर, इतना गहरा है समुन्दर। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी बहुत सारे दासों को, पुराने नियम में हो या नया नियम के विश्वासी या संत लोग हैं, बहुत ही तनाव में, टेंशन में कभी कभी चला जाता है। और ऐसा तनाव या ऐसा संकट आ जाता है, वो लोग सोचते हैं कि मृत्यु इस संकट से बेहतर है। अभी रिबेका जो इसाक का पत्नी है वो भी पारिवारिक फैमिली समस्या की वजह से वो कह रही कि मैं मरने से अच्छा हूं, क्योंकि ऐसा जो उसका पहला बड़ा बेटा है ऐसा लड़की से शादी करके आया तो घर में अशांति हुआ। तो इसाक का पत्नी रिबेका कह रही है, अगर याकूब भी ऐसा लड़की से शादी करेगा तो मेरा जीवन और भी बर्बाद होगा और मृत्यु उससे बेहतर होगा। तो रिबेका को ऐसा लगता है कि मरना, मृत्यु जो है
पारिवारिक समस्या से भी बेहतर। फिर सॉलोमन राजा, जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति, दाविद का बेटा, सबसे ज्ञानी व्यक्ति जो पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं, वो एक्लिसियासिस या शुभोपदेशक का किताब में लिखता है कि दुनिया जीवन ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, और ऐसा अगर परमेश्वर अगर नहीं है तो मरना ही बेहतर है, ऐसा उसको लगता है। एक्लिसियास्टस शुभोपदेशक 2:17 में वो कहता है कि मृत्यु जीवन से भी उत्तम है। फिर एलाइजा, ये जो भविष्यवक्ता द प्रॉफिट एलाइजा, वो भी ऐसा संकट में आ जाता है जब उन्होंने माउंट मराया में जाकर झूठे भविष्यवक्ताओं को मारता है। वो प्रार्थना करता है, स्वर्ग से आग भी गिरता है, और उसको वो बलि जो उन्होंने रखा, वो बलि परमेश्वर स्वीकारता है। उसके बाद वो इसराइल का रानी उसको मारने के लिए आता है, तो वो रानी का डर से वो भाग जाता है, और इतना दूर भाग जाता है कि वो एक पहाड़ पे जाकर छिप जाता है। 40 दिन वो उपवास रखता है, और यहाँ इस फोटो में अगर आपको दिख रहा है तो वहां पर वो इतना थका महसूस करता है, और वहां पर वो कहता है, पहला राजा 19:4 में वो कहता है कि अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। तो मरने का इच्छा ये एलाइजा भी रखता है। इतना संकट जब आ जाता है, सोचता है कि मरना ही अच्छा है। फिर अगर आपको योना के बारे में याद है, जो समुन्द्र में उसको फेंक दिया गया था, फिर बड़ा मछली आकर उसको खा लेता है, मछली के पेट से वो प्रार्थना करता है, और जब वो निनवे सच में जाता है, परमेश्वर का वचन को पहुंचाता है, निनवे पश्चाताप करता है, निनवे पश्चाताप करने के बाद भी वो वहां पर एक प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे भी मार दो, अभी मैं ये नहीं देखना चाह रहा था कि निनवे जो है बच जाए, मैं ये देखना चाह रहा था कि ये निनवे के सब के लोग मर जाना चाहिए था। अभी आपने उनको बचाया, उनका पाप को माफ कर दिया आपने, तो इसलिए मेरा मरना बेहतर है, गुस्सा में ऐसा वो बोल रहा है। तो योना भी मरने का इच्छा रखता है, ऐसा प्रार्थना भी वो करता है। और पौलुस, पौलुस का जीवन में भी इतना संकट आता है, 2 करिंथ 1:8 में मैं इसको पढ़ता हूं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि हमारे केस से एग्जाम में तो आज्ञा में हम पर पड़ा, हम बोर्ड से गए थे जो हमारे सामर्थ्य के बाहर हाँ, जीवन से बात हो गए। देखो पौलुस इतना बड़ा प्रभु का दास, वो भी कह रहा है कि इतना बड़ा संकट आया उनके जीवन में, वो उसको लग रहा था मरना है अच्छा है। तो प्रभु के लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, इतना बड़ा संकट आ जाता है कि हमको लगता है कि मरना अच्छा है। और यही आज का भाग में जो हम पढ़ा, यूहन्ना सॉरी मार्कुस का 14:34 में, प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा कह रहा है कि मैं इतना संकट में हूं, इतना बोझ से दबा हूं कि मरना अच्छा है। अभी मैंने वो समुन्दर का गहराई को जब मैंने आपको दिखाया, इतना गहरा है कि कोई प्राणी वहां जिंदा नहीं रह सकता है। वो समुन्दर का पानी का दबाव से आदमी जो है मर जाता है, और सबमरीन भी जो वहां पर जाता है, वो सबमरीन भी दब जाता है। तो कोई भी चीज वहां टिकता नहीं है, प्रेशर से, दबाव से। तो ऐसा तनाव या प्रेशर मन में आ जाता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि मरना ही अच्छा है। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन में ये ऐसा तनाव या प्रेशर उसके जीवन में आया, ये गेतसेमनी का वाटिका में, और यहाँ पर ये असली गेतसेमनी का फोटो है। इज इट देयर ऑन द स्क्रीन? यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन? ओके, तो ये आज का तारीख में अगर आप इसराइल देश में जाएंगे तो वहां पर ये पेड़ आपको दिखेगा, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस वाटिका में, इस बगान में आकर प्रार्थना करता था। और प्रेरितों को पता था, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, वो इस उसके साथ इसी बगान में, इसी वाटिका में आकर रहता था।
और गेथसेमनी का मतलब है जहां पर जलपाय को दबाया जाता है और वहां पर तेल निकलता है। तो ये फोटो में अगर आपको दिख रहा है तो ये पत्थर के साथ उस जलपाय को दबा रहा है और वहां से तेल निकलता है। तो देखो यहाँ पर भी प्रेशर दिया जाता है, बहुत ही दबाना का जरूरत है तभी ये तेल निकलता है। और मैंने देखा 1 किलो जलपाई से, फ्रॉम 1 किलो ऑफ ऑलिव्स यू विल गेट ओनली 100 ml ऑफ ऑयल, 100 ml मतलब 2 चम्मच का तेल ही आपको मिलेगा। इतना 1 किलो का जलपाई दबाने के बाद 2 चम्मच का तेल आपको मिलेगा। तो बहुत ही प्रेशर देने के बाद ही, उसको बहुत ही दबाने के बाद ही वो तेल निकलता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस वाटिका में प्रार्थना करने के लिए आता है और 3 साथी उसके हमेशा साथ में रहता है। वो पतरस, याकोब और योहन्ना, पीटर, जेम्स एंड जॉन। और मार्कुस का किताब में भी ये 3 शिष्य हमेशा जब प्रभु यीशु मसीह कुछ विशेष बात विशेष चमत्कार भी जब प्रभु यीशु मसीह करने वाला है तो ये 3 शिष्य पतरस, याकोब और योहन्ना प्रभु यीशु मसीह के साथ जाता था। अभी वाटिका के बारे में हम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला वाटिका हम लोग उत्पत्ति का 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं और 3 अध्याय में वहाँ उस वाटिका में जब मनुष्य जाति आदम और हवा पाप में गिरता है तब परमेश्वर आकर उनसे बात करता है। और उत्पत्ति 3:18 में हम पढ़ते कि परमेश्वर उस वाटिका में चल रहा है। अभी परमेश्वर कैसे चला? परमेश्वर का हाथ पैर था क्या? तो कौन चल रहा था उस वाटिका में? और हम लोग उसको क्रिस्टोफनी कहता है। क्रिस्टोफनी का मतलब है यीशु मसीह संसार में आने से पहले पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जब भी अपने शिष्यों को या अपने दासों को या भविष्यद्वक्ताओं को दर्शन देता था तो एक मनुष्य का रूप लेकर आता था। और वही उत्पत्ति का 3:8 में वो प्रभु यीशु मसीह उस वाटिका में आकर आदम और हवा से बात करता है और वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस वाटिका में चल रहा है। और गेथसेमनी का वाटिका में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? घुटने पर गिरा है और प्रार्थना कर रहा है। प्रेशर टेंशन आ गया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और वो घुटने पर गिरकर प्रार्थना करने लगता है। और प्रभु यीशु मसीह को कहाँ पर कब्र दिया गया था? वेयर वॉज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बरीड? अगर आप यूहन्ना 19:41 जस्ट रीड दिस, ये भी यहाँ पर भी एक वाटिका है, जॉन चैप्टर 19:41 वहां पर एक वाटिका आपको मिलेगा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा गया था। हाँ, तो यहाँ पर भी एक वाटिका है और उस बगीचा में प्रभु यीशु मसीह को कब्र दिया गया था। तो शुरुआत उत्पत्ति का शुरुआत में एक वाटिका है, वहां प्रभु यीशु मसीह चल रहा है। क्रूस पर चढ़ने से पहले गेथसेमनी वाटिका में प्रभु यीशु मसीह घुटने पे गिरता है और लास्ट में मृत्यु के बाद एक वाटिका में प्रभु यीशु मसीह को दफना दिया गया था। तो इस प्रकार से वाटिका के संबंध में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम लोग देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना भी तनाव, इतना भी टेंशन, इतना भी क्या बोलता है बांग्ला में, चाप बोलते हैं, हिंदी में और क्या शब्द है उसके लिए? हाँ, पीड़ा। इतना भी पीड़ा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्यों आया? खास करके गेथसेमनी का वाटिका में प्रभु यीशु मसीह को क्यों इतना प्रेशर, इतना पीड़ा क्यों महसूस कर रहा है? तो सबसे पहले हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र व्यक्ति है, कभी पाप नहीं किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह ने एक पाप भी नहीं किया। और पाप क्या है
पाप का एहसास क्या है प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह ने पाप को चखा, हमारे लिए पाप कैसा, कितना भयंकर है, और पाप अलगाव लेकर आता है, पिता परमेश्वर से हम लोग अलग हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कभी भी ऐसा एक समय नहीं था कि वो पिता से अलग किया गया था। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह मर रहा था, तब उसने चिल्लाकर बोला, पिता तुमने मुझे त्याग क्यों किया। तो पाप अलगाव लेकर आए, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सबसे पहली बार वो अलगाव क्या है उसको महसूस हो रहा है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस प्रकार का पीड़ा आ रहा था। और 2 करिंथ 5:21 में हम लोग पढ़ते हैं, 2 करिंथियन 5:21, जो पाप चढ़ गया था उसी को उसने हमारे लिए पाप चढ़ाया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता जो पाप से अज्ञात था, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा, सॉरी, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहली बार उस वाटिका में वो पाप को चख रहा है। क्या कितना भयानक चीज है। और पाप के बारे में तो हम लोग देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ध्यान उस क्रूस के ऊपर केंद्रित था। लूक 9:51, लूका उसका 9:51, लूक 9:51, प्रभु यीशु मसीह का ध्यान कहाँ पर है? जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। यरूशलेम जाने का विचार ड्रेड किया। ही वॉज डिटर्मेंड टू गो टू जेरूसलम। डिटर्मिनेशन इंग्लिश में कहता है, वो अपना इच्छा को ड्रेड किया, अभी मैं क्रूस पर चढ़ूंगा। लेकिन समस्या, जब हम आगे देखते हैं, हम उस समस्या से भागने का कोशिश करते हैं। समस्या से कैसे हम लोग दूर जाएंगे, कैसे उस समस्या को थोड़ा सा नरम करेंगे, इस प्रकार की चीजें हम लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना ध्यान पूरा उस क्रूस के ऊपर उन्होंने केंद्रित किया, और जब वो उस वाटिका में था तो ये सारी चीजें उसके मन में था। और प्रभु परमेश्वर का क्रोध को वो अभी चखने वाला था। परमेश्वर का क्रोध कैसा है, वो ऐसा जैसे मेरे वो समुन्दर का खोल दिखाया, वैसा ही वो एक बाप्तिस्मा, मतलब एकदम खोल जगह में वो जाने वाला है, जहां पर कोई कभी नहीं गया। मार्क 10:38, मार्क 10:38, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। अभी पानी के अंदर जाना मतलब एक संकट में, एक समस्या में चले जाना है, और प्रभु यीशु मसीह वो उस संकट को एक प्याला का रूप में भी देखता है, और वो प्याला में क्या भरा है, परमेश्वर का क्रोध भरा है। परमेश्वर का क्रोध अभी उसके ऊपर गिरने वाला है, तो वो अभी वो चखने वाला है। और जैसे उसका टेंशन के बारे में या तनाव या पीड़ा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो हम लोग मार्कुस का 14 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो बहुत व्यथित और परेशान था। वो गहरा दुख प्रभु यीशु मसीह को हुआ, और वो जमीन पर गिर गया, और ऐसा वो प्रार्थना कर रहा था, यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और ये प्याला, वो प्याला जो क्रोध से भरा हुआ, वो प्याला को हटाओ करके वहां पर वो कहता है। अभी कुछ दिन पहले हमारा घर का जो ड्रेनेज है, सुवेज, एक उसको इंग्लिश में हम सोक पिट बोलते हैं, मतलब आपका पैखाना का जो कुछ भी है वो एक गड्ढा में जाता है, और कुछ साल बाद, 4-5 साल बाद वो गड्ढा भर जाता है, फिर म्युनिसिपैलिटी से एक ट्रक बुलाना पड़ता है और वो सोक पेट को साफ कर देता है, उसको
वो ट्रक खींच लेता है, उसमें वैक्यूम लगा हुआ है, और वो खींच के वो गड्ढा को साफ कर देता है, और वो कहाँ पर जाके फेंकता है हमको पता नहीं, लेकिन दोबारा वो आप इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब तक वो अगर पूरा भर जाता है तो आपको लैट्रिन पायखाना जाना भी मुश्किल है। तो मैं यही सोच रहा था कि वो कटोरा भी क्या था। हर पाप जो मनुष्य जाति ने किया वो उस कटोरा में था, और प्रभु यीशु मसीह को वो कटोरा को पीना पड़ा। मेरा हर पाप, मेरा हर खराब सोच, इस दुनिया का हर पलतकारी, हर चोर, हर डकैत का पाप उसका उस कटोरा में था, और प्रभु यीशु मसीह को उस प्याला को पीना पड़ा। जो कभी पाप नहीं जानता था, कभी पाप नहीं किया, उसको उस प्याला में भाग लेना पड़ा। मतलब मेरा पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो कटोरा ले लिया। इतना प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। और एक चीज, लूका उसका 22 अध्याय 53 में जब हम देखते हैं, लूक चैप्टर 22 वर्स 53, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। अंधकार का अधिकार है, और अंधकार का अधिकार पूरा, वो अंधकार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अभी आ गया, और अंधकार से घेरा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। जब वो उस वाटिका में था, प्रभु यीशु मसीह अंधकार से घेरा, रात का समय था, हाँ रात का समय था, लेकिन उस रात में ऐसा अंधकार आ गया कि पूरा शैतान का फौज निकला, नरक खुल गया जैसा, और नरक का अंधकार पूरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर बैठ गया। तो प्रभु यीशु मसीह को वो अंधकार का महसूस हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह को वो अलगाव का महसूस हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का क्रोध का एहसास हो रहा है, और प्रभु यीशु मसीह का पाप चखना पड़ा। वो पाप नहीं किया, लेकिन हमारे लिए वो पाप को क्या, कितना भयंकर है प्रभु यीशु मसीह ने उस वाटिका में महसूस किया। और देखो, जब भी कोई प्रभु यीशु मसीह के लिए मरता है, संत लोगों ने बहुत बार ऐसा उन्होंने महसूस किया कि जब मृत्यु का घड़ी आ रहा था, उनको पता है मरने वाला हूं, तो ऐसा एक शांति उनके मन में, उनके उनके जीवन में भर जाता, और वो जानता है कि अभी मैं मरने वाला हूं और मैं प्रभु के पास जाने वाला हूं, और एक मुस्कान, एक खुशी आ जाता है उनके चेहरे पर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मरने के समय में ऐसा सांत्वना देने के लिए कोई नहीं। वो शिष्य लोगों को बोला, प्रार्थना करो, बैठो हमारे साथ, लेकिन शिष्य लोग सो रहे, जितने भी शिष्य था सारे सो गए। एक तो उसको धोखा देने के लिए वहां पुलिस को लेकर आ रहा था यहूदा इस्करियोती, तो ये अवस्था, सांत्वना देने के लिए कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। जब मैं संकट में हूं, मैं अपना भैया जो बेंगलोर में, उसको फोन करो, भैया ऐसा ऐसा समस्या है मेरे जीवन में, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मेरा ब्रदर, मेरा भाई को मैं याद करता हूँ, या मेरा कोई दोस्त जो मेरा प्रेयर पार्टनर है, उनको मैं फोन करके बोलता कि ऐसा मेरा जीवन में संकट है, मैं फोन करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए सांत्वना देने के लिए कोई नहीं था। लेकिन हम लोग लुका में ही पढ़ते हैं, वहां पर एक स्वर्गदूत आता है और उसको सांत्वना देता है। और यह ये भी बात भी शायद प्रभु यीशु मसीह के मन में लग रहा था कि शिष्य तो विश्वासघात करता है आगे जाकर, और एक तो इनकार करता है, और बाकी के सारे शिष्य भाग जाता है, तो उसको उसके साथ देने वाला कोई नहीं। तो ये सारे दुख प्रभु यीशु मसीह को महसूस करना पड़ रहा है। ये इस फोटो में एक आदमी हैरिसन ओखेन ओखेन, ये नाइजीरिया का एक आदमी है, 2013 में उसका जहाज डूब गया, और उसका जहाज जब डूब गया, लगभग 12 लोग थे उस जहाज में, 12 या 11 जन थे। जब वो डूब गया तो एक
50-60 मीटर अंदर समुन्दर के अंदर उसका जहाज चला जाता है, लेकिन वहां पर एक एयर बबल तैयार होता है, उसके जितना भी साथी थे सारे वहां पर जहाज में मर जाते हैं, और वहां पर इस एयर बबल में वो फंस जाता है, मतलब कमरे का एक कोने में। जहाज तो उल्टा हो गया, समुन्दर के नीचे चला गया, लेकिन जो हवा उस जहाज के अंदर था उस कोने में आकर फंस गया, और पानी वहां पर ऊपर नहीं आ रहा था। वहां पर वो, इस फोटो में अगर आप देख रहे हैं, तो वहां पर वो फंस गया और लगभग 3 दिन तक वो वहां पर ही बैठा रहा, 3 दिन तक वहां पर बैठा रहा। और साउथ अफ्रीका के जो नेवी डिपार्टमेंट के लोग आए और वहां पर वो मरे हुए लाशों को ढूंढ रहा था, मरे हुए सारे लाशों को मिला, एक बाकी था उनको पता था लेकिन मिल नहीं रहा था, तो गैर खोल अंदर में एक चला जाता है और वहां पर ये आदमी जिंदा है करके मिलता है। और यही फोटो है जब उसको जिंदा मिला उस घड़ी, 3 दिन बाद जिंदा है करके वहां उसको पाया जाता है। और कैसे तो करके उसको वहां जहाज से निकालते हैं, उसको ऑक्सीजन देते हैं और बाहर लेकर आते हैं, तो लोग पूछते हैं आप कैसे बच गया, तो वो गवाह देता है, मैं प्रार्थना कर रहा था उस अंधकार के घड़ी में, कोई नहीं था, अंधकार में था, समुन्द्र के खोल गहराई में था, बचने का कोई रास्ता नहीं था, साथी सारे साथी मर गए थे, एक ही चीज था उसके लिए प्रार्थना कर। प्रियजन, जब ऐसा दुखी संकट समस्या आ जाता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि मरना अच्छा है, इसको हम लोग सुइसाइडल थॉट्स बोलते हैं, हाँ विश्वासियों को होता है ऐसा। अभी हमने देखा उदाहरण, पुराने नियम से लेकर नया नियम पौलुस तक, ऐसे संकट आ जाते जीवन में, सोचते कि मरना अच्छा है, एक ही चीज बाकी है, प्रार्थना करना। और वही चीज प्रभु यीशु मसीह उस वाटिका में कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। और ये हैरिसन ओके अभी फेसबुक में उसने ये डाला, आई थैंक द लॉर्ड फॉर मेकिंग मी टू सी यू दिस डे, ओके थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह को वो धन्यवाद देता है। ठीक है, तो यहां से सीखने के लिए क्या है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस, दो गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड बाय जस्ट सेइंग अ वर्ड, सेविंग अस कॉस्ट गॉड एवरीथिंग। परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया उसने कैसे बनाया, वो वचन बोला और हर चीज उत्पन्न हुआ, अपने मुंह से परमेश्वर ने बोला और ये दुनिया सृष्टि में आया। लेकिन हम लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा, अपना बेटा का बलिदान करना पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन सब कुछ उन्होंने दे दिया, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू सेव अस। दुनिया को बनाने के लिए वचन काफी है, लेकिन हम लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए दे दिया। वी एज क्रिश्चियंस शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम पेन। जीसस सेड इन दिस लाइफ वी विल हैव ट्रिब्यूलेशन एंड थ्रू मच ट्रिब्यूलेशन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। इस दुनिया में हम लोगों को संकट या दुख से घबराना नहीं पड़ेगा, वी शुड नॉट बी अफ्रेड, दुखों से घबराना नहीं चाहिए। जब दुख आ जाएगा, संकट आ जाएगा, पीड़ा आ जाएगा, डरो मत, उस संकट के घड़ी में भी परमेश्वर हमारे साथ में। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि बहुत सारे पीड़ाओं से हमको गुजरना है, और वो यूहन्ना 16:33 में, जॉन चैप्टर 16:33, थ्रू मच ट्रिब्यूलेशन, वो ऐसा लिखा है हिंदी में, कैसा है, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिब्यूलेशन, टेक करेज, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, हिंदी में कैसा है वो, मैंने ये बातें तुमसे इससे कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, एंड वी नीड टू लर्न टू सबमिट गॉड्स विल इवन इफ इट मीन्स सफरिंग।
उसके इच्छा के अधीन होना सीखना चाहिए। अगर मुझे दुख भी सहना पड़ेगा, वो दुख का प्याला कभी कभी हम लोगों को पीना पड़ेगा। कुछ ही दिन पहले वो शिबू सेंचुरी का घर हम गए थे, और शिबू सेंचुरी के माँ को यही बात हमने बोला, कभी कभी दुख का प्याला को हम लोगों को पीना पड़ता है। और जब हमने वो वचन पढ़ा तो और भी रोने लगी कि हाँ, ये दुख का प्याला पीना बहुत ही कठिन है। मृत्यु किसी किसी परिवार में आ जाता है, तो वो दुख का प्याला हम लोगों को, हम परिवार को पीना पड़ता है। तो यही दुख का प्याला कभी कभी हम लोगों को पीने के लिए सीखना है। परमेश्वर जानबूझकर कुछ संकट हमारे जीवन में लाता है, जैसे अय्यूब का जीवन में, और वो पीड़ा, वो संकट एक बड़ा, एक ऐसा नरक का महसूस जैसा होता है। और ये अय्यूब कहता है, अय्यूब भी कहता है कि उसका संकट जो है ये मृत्यु का एक गड्ढे की तरह है, और उस गड्ढा में गिरा और यहाँ निकल नहीं पा रहा, एक प्रकार का एक नरक बन जाता है वो समस्या। लेकिन ऐसे समस्या से प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बचा सकता है। और एक चीज हम लोगों को याद करना है, इन पेन रिमेंबर योर फ्रेंड्स। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर घुटने पर टेककर प्रार्थना कर रहा था, तो वो उठकर पतरस, याकूब और यूहन्ना को जाकर देखता था। अरे प्रार्थना करो, बोलता था, फिर जाकर दोबारा प्रार्थना करेगा। फिर और एक बार प्रभु यीशु मसीह आया और उसको उनको बोला, अरे प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह इतना संकट में है, इतना दुख में, इतना पीड़ा में है, फिर भी उन्होंने अपने मित्रों को नहीं बुला। हाँ, अगर आपका जीवन में ऐसा बड़ा संकट आया या है, या आप जा रहे हैं ऐसे संकट में, अपने दोस्तों को मत भूलना, उल्टा उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। और ये अय्यूब को भी सीखना पड़ा। और ये आखिरी पद हम लोग पढ़ेंगे, जोब चैप्टर 42 वर्स 10, जोब 42 वर्स 10। जब आयु ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयु के पास पहले था उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसका दुख हटा दिया। तो क्या मैं अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं? परमेश्वर ने इस मंडली में बहुत अच्छे लोगों को रखा, और सब लोग मित्र हैं, कोई यहाँ पर एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, सब आपके भाई बंधु मित्र हैं। तो क्या मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं? और यही चीज वो गेतसेमनी का वाटिका से हम सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पीड़ा में था, दुख में था, क्लेश में था, वो अपने मित्रों को या अपने शिष्यों को भूला नहीं, उनके लिए भी वो प्रार्थना किया। तो आज ये मार्कुस का 14 अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करता हूं कि कुछ बातें आपने यहां से सीखा होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।